दोस्तों, मैं होम्योपैथ डॉक्टर अभ्यास प्रसाद कोरोना से संबंधित अपना वैचारिक शोध आप सबों के बीच साझा कर रहा हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव पर आधारित है, इसका कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं किया गया है। दोस्तों, यह दुनिया जितना कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही है, उतना ही दुनिया कोरोना वायरस के दलदल में धंसती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोरोना पीड़ित रोगी ठीक नहीं होते, मरने वाले रोगियों से अधिक ठीक भी हो रही हैं। कोरोना की समस्या इससे अधिक यह है कि यह दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में विभिन्न आयामों से बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। दुनिया के चोटी के वैज्ञानिकों एवं डॉक्टर के लाख उपाय के बावजूद कोरोना अपने रफ्तार से आगे बढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चूक हम सबों से हो रहा है कि कोरोना को हम रोक नहीं पा रहे हैं? कहीं वह उपाय मेरे आस्तीन में ही तो नहीं छिपा है? आइए हम उस उपाय से अनजान है, हम उपाय से कहीं अनजान तो नहीं है। कभी कभी बहुत बड़ी समस्याओं बहुत छोटे उपाय से भी सरल हो जाती है। आइए एक उपमा से समझते हैं। दोस्तों, एक शिशु अचानक चोटिल हो जाता है, वह शिशु अचानक चीखना शुरू कर देता है। उसकी माँ अचानक झट शिशु को उठाती है और पट अपने स्तन से लगा करके हिलोरे लगाने लगती है। बेसुध माँ को पता नहीं चल पाता है शिशु का मुंह नाक स्तन से दबे हैं, शिशु सांस नहीं ले पा रहा है। गोद में ही शिशु का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, अंत हो जाती है। कहीं इसी प्रकार का अनजान गलती तो हम लोगों से नहीं हो रही है? दोस्तों, दुनिया के लोग कहते हैं कि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाओ। यहाँ पर मेरा अनुभव दुनिया के लोगों के अनुभव से अलग है। मेरा अपना अनुभव है, एक स्वस्थ व्यक्ति धूल कण या किसी वायरस की संभावना रहने पर ही जितनी समय उसकी संभावना रहे उतनी समय ही मास्क लगाएं। इसकी संभावना खत्म होते ही मास्क तुरंत हटा दें। दूसरा, कोरोना वायरस से प्रभावित रोगी मास्क का प्रयोग ना करें, किसी खास समय में ही मास्क का प्रयोग करें। दुनिया वाले मास्क से होने वाले नुकसान से ममतामयी माँ की तरह अनजान है, बिल्कुल अनजान है। दोस्तों, प्रभु ने हमें नाक के पास ही हवा शारीरिक आवश्यकताओं को समझते हुए दी है। हमारे फेफड़े को किस दबाव में हवा चाहिए उस वायुमंडलीय दबाव की व्यवस्था प्रभु ने कर दी है। हवा स्वच्छ बना रहे इसकी व्यवस्था भी प्रभु ने कर दी है। छन छन हमारे शरीर का आंतरिक भाग प्रकृति से कैसे जुड़ा रहे इसका एकमात्र द्वार नाक और मुंह ही कह सकते हैं। इन दोनों के बीच निरर्थक दीवार बनाना क्या उचित है? दोस्तों, हमारे शरीर के फेफड़ों में फेफड़ों के दोनों ओर मधुमक्खी के छत्ते में बने कोष्ठक के समान लाखों करोड़ों कोष्ठक बने होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो यही हवा यही सांस उस कोष्ठक में भर जाते हैं। और कोष्ठक के सेल इस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। जब हम दूसरी सांस लेते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड विस्थापित होकर के सांस द्वारा निकल जाता है और लिए गए ऑक्सीजन फिर उस कोष्ठक में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान देंगे, यहीं पर फेफड़े द्वारा चूसे गए ऑक्सीजन के अनुपात में हमारे शरीर के सेल में इम्यूनिटी पावर का निर्माण होता है। जो कोरोना से इम्यूनिटी पावर रखने की क्षमता रखती है उस इम्यूनिटी पावर का निर्माण इसी ऑक्सीजन से होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो सामान्य कार्य करते हुए सांस लेता और छोड़ता है उससे हमारे फेफड़े के कोष्ठक में सिर्फ 25-30% ही हवा भर पाते हैं, बाकी 70-75% कोष्ठक जो है वह खाली ही रह जाते हैं। और अधिकतर ये खाली कोष्ठक ही फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, अधिकतर बीमारी का कारक ये खाली कोष्ठक ही। दोस्तों, जो व्यक्ति जितनी अधिक गहरी सांस लेता है उसके फेफड़ों में उतने अधिक ज्यादा कोष्ठक में ऑक्सीजन जा पाते हैं,
और यह कठिन परिश्रम करने वाले मजदूर या सेना के लोगों या बड़े बड़े धावकों या पहलवानों जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं उनके अधिकतर कोष्ठक में सांस ने अधिकतर कोष्ठक में ऑक्सीजन भर पाते हैं और उनकी इम्यूनिटी पावर उतनी अधिक रहती है। एक सामान्य कार्य करने वाले लोगों में जिसमें 25-30% ही ऑक्सीजन भर पाते हैं उसके फेफड़ों में, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। हाँ, ये सामान्य कार्य करने वाले अपने इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी परिवार पावर को बरकरार रखने के लिए ये भिन्न प्रकार के प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम से ये जो है अपनी इम्यूनिटी पावर बनाए हुए रखते हैं। अगर इसकी उपमा लेना है तो हमारे देश के नेता का सीना यूं ही 56 इंच का नहीं है। विभिन्न परिश्रम से गुजरने के बाद कठिन परिश्रम के गुजरने के बाद भी निरंतर स्वस्थ बने रहना उनके दिनचर्या में प्राणायाम शामिल होने के कारण है। आइए हम लोग मास्क के होने वाले नुकसान पर विचार करते हैं। जब तक हमारे नाक पर मास्क रहते हैं तब तक एक उचित दबाव में या उचित वेग से हमारे श्वास नली में हवा का प्रवेश नहीं हो पाता। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड जिस वेग से निकलना चाहिए उसमें भी अवरोध हो जाता है। ये दोनों ही बातें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक। दोस्तों, बिना मास्क सामान्य कार्य करते हुए हमारे फेफड़े में 25-30% ऑक्सीजन भरते हैं तो मास्क रहने पर तो उससे कम ऑक्सीजन ही हमारे फेफड़े में मिलते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है हमारे शरीर की घटती जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी पावर रहना आवश्यक है, दूसरी ओर मास्क लगाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर स्वतः ही कम हो रही है। फिर निरर्थक मास्क लगाना कहाँ की बुद्धिमानी है। दोस्तों, मैं दुनिया के डॉक्टरों से पूछना चाहता हूँ कि आप रोगी को मास्क क्यों लगवाते हो? इससे उस रोगी को क्या लाभ है? उस रोगी का वायरस उसके शरीर में ही रहे, इससे उसके चंगा होने में कतई सहायक नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे अनुभव के अनुसार आइसोलेशन सेंटर के प्रत्येक रोगी को मास्क फ्री किया जाए, प्रत्येक सेंटर में से हवा निकालने की व्यवस्था हो, स्वच्छ हवा देने भीतर देने की व्यवस्था हो, प्रत्येक जो आइसोलेशन सेंटर है उसमें सैनिटाइज जो की जाती है ऐसा व्यवस्था हो कि सैनिटाइज का केमिकल उसके श्वास नली में नहीं जाए, प्रत्येक रोगी से 24 घंटे में कम से कम 4 बार उससे प्राणायाम करवाया जाए, कपालभाति हो, भस्त्रिका हो, अनुलोम विलोम हो, ये करवाया जाए। कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करवाया जाए। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है उसका होता है कि दबाव से सांस बाहर फेंकना और दबाव से सांस लेना। ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। इस प्रकार का भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट जरूर करवाया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस तरह से आइसोलेशन सेंटर में मास्क फ्री पर करके अगर भस्त्रिका प्राणायाम ही करवाया जाता है तो रोगी के चंगा होने की अनुपात जो है वह स्वस्थ स्वतः ही बढ़ जाएंगे। डॉक्टर बंधु, आपसे एक और प्रश्न यह है कि आपने कभी इस पर विचार किया कि एक डॉक्टर कोरोना प्रभावित रोगी को ठीक कर सकते हैं? तो हमारे साथी रोगी जब कोरोना से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर उसे मैं क्यों नहीं ठीक कर पाता हूँ, उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? कारण तो अनेक हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में एक कारण यह भी है कि लगातार मास्क पहनकर काम कार्य करते रहने से उनके शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि जब वह कभी कोरोना से प्रभावित होते हैं तो उनकी शरीर की इम्यूनिटी पावर कोरोना से लड़ने की क्षमता नहीं रखती है, खो देती है, जिसके कारण जो है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रत्येक डॉक्टर बंधुओं से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि जब कभी आपको अगर 1 घंटे तक मास्क लगाना पड़ जाए तो आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट तक स्वच्छ हवा में जाकर भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें।
अगर एक सप्ताह तक एक नियमित समय से आप भस्त्रिका प्राणायाम, अन्य प्रकार का प्राणायाम करेंगे तो मेरा दावा है, ईमानदारी पूर्वक अगर प्राणायाम करेंगे तो मेरा दावा है कि एक सप्ताह के बाद ऑन डिमांड शरीर आपका ऑन डिमांड आपको प्राणायाम करने को मजबूर करेगी। डॉक्टर बंधु, मुझे नहीं पता है कि कोरोना का लाइफ सर्किल क्या है, वह अमीबा की तरह विखंडित होते हैं या कोई अन्य विधि से अपना लाइफ सर्किल पूरा करते हैं। आप उस रोगी को ठीक नहीं कर सकते जिसका जिस रोगी के शरीर में कोरोना वायरस अपना लाइफ सर्किल पूरा करता रहे। जिस रोगी के शरीर में लाइफ सर्किल कोरोना अपना लाइफ सर्किल पूरा करते रहेगा उसे ठीक करना मुमकिन है, लेकिन जिस रोगी के शरीर में कोरोना वायरस के लाइफ सर्किल को अगर आप तोड़ देते हैं उनके बचने की संभावना अत्यधिक है। वह निश्चित वह जो है तो वह अपनी लाइफ को निश्चित रूप से बचा पाएंगे, उनके लाइफ को उन रोगी के लाइफ को आप निश्चित रूप से आप बचा लेंगे। डॉक्टर बंधु, इधर कोरोना वायरस के रीजेनरेट की भी चर्चा हो रही है, मुझे विश्वास है ऐसा कि फिर दोबारा वह सचेत रोगी जो एक बार कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है फिर संक्रमित होता होगा। ऐसी बातें हमें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर यह ध्यान देने की बातें हैं कि कोरोना वायरस के लाइफ सर्किल में कोई पार्ट ऐसा है, कोई भाग ऐसा है जिस भाग में कोरोना जो है वो सुषुप्ता अवस्था में निष्क्रिय अवस्था में आ जाता होगा, जिससे रहने शरीर में रहने के बावजूद वह निगेटिव आपके जांच में निगेटिव आता होगा लेकिन वह निष्क्रिय पड़ा रहता है और वह एक समय अनुकाल एक अपने समय अनुकाल अनुकूल के बाद वह जो है फिर रीजेनरेट हो जाता है, फिर वह अपना कार्य करना शुरू कर देता है, इसके कारण उसी व्यक्ति के शरीर में फिर कोरोना जो है रीजेनरेट हो जाता है। दोस्तों, हमें हिम्मत नहीं हारना है, प्रकृति हमें जांच रही है, वह अपना काम कर रही है, हमें प्रकृति के शरण में जाकर वो स्वच्छ होकर प्रकृति अभी स्वच्छ होकर हमें कुछ संदेश भी दे रही है, हमें प्रकृति के शरण में जाकर ही कोरोना से लड़ें, हम निश्चित रूप से कोरोना को हराएंगे। वीडियो देखने वालों से मेरा आग्रह है कि आप छिप कर रहें और छिप कर ही कोरोना पर वार करते रहें, ये वीडियो रूपी से वार करते रहें, यानी आप वीडियो दूसरे को शेयर करते रहें कि दूसरे लोग भी इस अपने कोरोना से बचने का अपना उपाय कर सके।